कलर का सारा जिला सभा तो उसमें मौजूद सिवा जिले के अनुमंडल कार्यालय में जहाँ पे वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद के प्रत्याशी बीबी हलीमा ने अभी अभी नामांकन पत्र दाखिल करवा अनुमंडल कार्यालय से बाहर निकले और वही इनके समर्थक में काफी हुजूम का माहौल है और समर्थक खुशी की लहर है। मैम आपका नाम क्या हुआ? कौन से पद के लिए नामांकन देकर आ रही हैं? कितने नंबर वार्ड है? आपके जीत जाने के बाद क्या लक्ष्य रखे हुए हैं, क्या कीजिएगा विकास में? जनता सेवा कीजिएगा। सर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद नसीम हुआ जी और मैं हलीमा बीबी का हस्बैंड जी, और हम समाज सेवा में जब से ये नगर निकाय बना है, जब से यहाँ चुनाव हो रहा है 2002 से, उस समय से हम लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। एक बार मैं पार्षद के पद पर यहाँ से विजयी हुआ भी हूँ और उसमें उस कार्यकाल को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। लेकिन इस पिछले बार मैं नहीं था, जो कि जो गुजरा है वो एकदम ठप रहा है। उस समय में कुछ नहीं हुआ है, जिससे जनता काफ़ी आक्रोशित है और हमको पूरा सहयोग जनता से मिल रहा है। इस बार जनता की विजय होगी और निश्चित रूप से हमारी विजय होगी और समस्याओं को हम समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सर जैसा कि आपने बताया कि पिछली बार, इससे पहले तीसरी बार आप विजय रह चुके हुए हैं, इस वार्ड के वार्ड कमिश्नर रह चुके हुए हैं, और इस बार जीत जाने के बाद क्या आप पुनः उससे आप बढ़िया काम करने को रहिएगा? जी बिल्कुल, और पिछले बार जो हम रहे हैं उससे बहुत चीज़ सीखने को मिला है। उस जो हमारा अनुभव है और जो जो पिछले बार रहे हैं उसके जो जो अनुभव और जो हमको ताकत मिला है, उससे अब इस बार और बढ़ चढ़ कर, और चूंकि अब तो पार्षद का चुनाव डायरेक्ट हो गया है तो पार्षद को पूरा दबाव दे करके और विकास कार्य को एकदम 2002 से ही आप राजनीतिक से रुचि रख रहे हैं, क्या आपको अनुभव है इसके बाद आपके वार्ड में कौन कौन सी कार्य अभी बाकी रह गई है और जनता को अभी क्या लाभ मिलना चाहिए? जी अभी तो अंदर जो मोहल्ले में है वो सारी रोड और को पक्कीकरण तो हमने अपने कार्यकाल में ही कर दिया था, लेकिन जो जो बीता जो गुजरा है कार्यकाल, इसमें तो हमारे वार्ड में कोई काम ही नहीं हुआ है। सभी सड़कें उसी तरह पड़ी हुई है। बड़े नाले का निर्माण होना चाहिए जो कि पानी निकासी से जुड़े। ऐसी परिस्थिति में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।